तो सूरज पूजा के एक दिन पहले थोड़ा बहुत शॉपिंग का काम था, थोड़ा अरेंजमेंट्स का काम था, तो वही सब हम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं मुन्नू भाभी के लिए साड़ी वगैरह देख रही थी। हाँ तो पता चलेगा ही नहीं उनको। ले लो आप, ओके ले ली नेल पेंट और एक स्पॉन्ज। ये कलर अच्छा है, एक बार आप हाथ पे भी निकाल के भी देख लेना अच्छा है कि नहीं कलर का। चलो ये कहाँ जा रहा है, अंदर देख देख देख। खुश रहो, चलो उधर चलो, चलो कहाँ जा, चलो पापा बस शॉपिंग करने के बाद में थोड़े बहुत बांटने के आइटम लिए थे, उसके बाद में सीख में देने के लिए कुछ हैवी मतलब चीज़ें चाहिए होती है, रिटर्न गिफ्ट बोल सकते हैं जिसे हम, कि जो भी गेस्ट आते हैं दूर से बाहर से उन लोग के लिए यहाँ पे बेडशीट लाए, और जो भी कॉलोनी वाले जितने भी थे सारे नेबर्स उनके लिए पूरा गिफ्ट सेट अलग से लेके आए। आगे तो जगह है, अरे आगे है, ये बहुत दूर है अभी तो। मतलब कल कुर्ता पजामा नॉर्मल जिसमें ये नहीं घबरा है। रुद्र देख तेरे लिए ड्रेसेस दिखा रहे, वो ड्रेसेस दिखा रहे अंकल, उधर देखो देख तेरे को कैसा लगा, अच्छा लगा। हाँ बेटा सुबह के 9:30 बज गए। हाँ क्या हुआ, और मेरा लाइनर तक नहीं मिल रहा मुझे तो भाई, कैसे क्या करते हैं इसका, मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रही। काजल से लाइनर लगाना पड़ेगा। हाँ ले ले, इधर तो रुद्र की सूजी बन रही, उधर लापसी लापसी और क्या क्या बनाएंगे। मेरे टाइम पे मौसी 1 साल हो गए हैं, एक साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इस साल पिछले साल मेरे सूरज की तैयारी चल रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था क्या क्या बनता है, इस साल पता चलेगा। लापसी और कुछ बनाते हैं, चक्की पकौड़ी, वो तो मतलब वो हलवा ही बनाएगा अपने घर में, शगुन की तो लापसी बनेगी। अरे हाँ? और मिलेगी तब चढ़ा देते हम। तो आज है सूरज पूजन, और सूरज पूजन की तैयारियां लगभग स्टार्ट हो ही गई है सारी, खाना वगैरह बाहर बन रहा है, और मेकअप रुद्र को सुलाया, मोनू भाभी भी नहा लिए, उनको भी अब मेहंदी वगैरह लग रही है, उसके बाद में क्या ढोल वाले भी आ गए। मेरी आवाज़ आएगी नहीं आएगी मेरे को पता भी नहीं चल रहा है फिलहाल तो।
मैंने कल हेयर स्ट्रेट करवाए और बारिश का मौसम है, वापस से ही कर ली होगी। मैं भी मेकअप करके तैयार हो जाती हूँ फटाफट से। आज तो मतलब दो दिन से तो इतनी भाग दौड़ थी ना यहाँ पे कि मतलब सामान लाना, बांटने के सामान लाना, यहाँ पे पूरे घर को धोना, किचन धोना। तो मेरी मौसी आई हुई है तो उन्होंने बहुत हेल्प की और सारा मतलब वो अरेंज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आपने देखा था ना अभी, वो पहले मेरी मौसी है। तो मैं ना काजल से लाइनर लगा रही हूँ। फ्रेंड्स ये रहा मेरा फाइनल लुक जिसमें मैंने ग्रीन कलर का काफ़ी सुंदर सा नेकलेस पहने। वैसे तो ये सारे लिंक्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ पे मैं सबके लिंक्स प्रोवाइड करूँगी। ये रहे फेक नेल्स, ये भी प्रमोशन के हैं। ये इयर रिंग्स आप देख सकते हैं साथ में मैचिंग के कड़े, और ये साड़ी, साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारी सी है। उसके अकॉर्डिंग मेकअप भी मैंने काफ़ी लाइट सा किया है, और मेरे पास लाइनर था नहीं तो मैंने काजल से ही लाइनर लगाया है। तो ओवरऑल बस मैं इतना ही कर रही हूँ, काफ़ी है। रुद्र को सुलाए, वो उठ जाए तो फिर मैं उसको भी रेडी कर देती हूँ। तो मम्मी इधर कर रहे हैं तैयारी। पूजा आज तो नीट, पूजा भगवान की आपके हैं, इनका तो पूरा नियम है पूजा वगैरह का। तो हम सबसे पहले तो तैयार होके शूट कर रहे हैं। शूट मोनू की जो छोटी वाली सिस्टर है अंजलि, वो मेरा कर देते हैं। तो वो एक वीडियो तो बना लिए, एक दो वीडियोस बना लिए, फोटोज खींच लिए ताकि ज़्यादा काम ना रहे, ये लोड अलग ही रहता है। अब मोनू भाभी को मैं तैयार कर देती फटाफट से। रुद्र भी सो ही रहा है और यहाँ पे वो पूरी कालीन वगैरह, यहाँ पे पार्टियाँ वगैरह भी रखना पड़ेगा ना मम्मी। ठीक है मैं तैयारी करूँ, मैं एक बार मोनू को तैयार कर दूँ पहले फटाफट से। देखिए इधर देखो, वाह यही है। क्यों रुद्र बहुत बीमार, खतरनाक हुआ ये तो। दादी कैसे नाचती। अच्छा हाथ में घुमावे देखो, तो ससुराल से सब आ गए, उस अकॉर्डिंग मैंने साड़ी ऐसे वेयर कर ली क्योंकि सर पे ओढ़ने में ऐसे सही रहता है और मैनेज भी हो जाती है पूरी तरीके से। पापा के साथ फोटो शूट तो मजा आ गया आज तो। रेडी रेडी होके हो माता जी को जैसे हकीकत बात तो ये है कि इतनी खतरनाक गर्मी लग रही है ना, और हमेशा कुछ ना कुछ है ना, हम जब हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो हम भूल जाते हैं। तो गेहूँ मैं निकाल के लेना जितना मेरे सांस चढ़ गए।
वाले तू ऐसे पकड़ ले ले भाई, ये उड़ा देंगे फिर बस डायरेक्ट ही रख देंगे। रिंकू ने तो मेरे को सरप्राइज दे दिया, ये तो खेड़ा जा रही है। वाह, ध्यान से जाना वाह।
उसके दादा के साथ में ले लो। अरे बाप रे, तू कहाँ गिरा? चांदी का कड़ा डब्बो दे दिया। तो प्रोग्राम से फ्री हो गए अब, मतलब जो भी हम कजिन्स हैं हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाने जा रहे हैं बाहर, और घर का काम फ्री होते होते लगभग अभी कितने बज रहे? 6:15, 6:15 मतलब शाम पड़ गई। सुबह का प्रोग्राम था 11:30 का, और 7 बजे हम सब उठ गए और ये टाइम हो गया। सूरज पूजा के नेक्स्ट डे वही सब, जो भी साड़ीज़ वगैरह आई है बेबी के लिए गिफ्ट, भाभी के लिए गिफ्ट, वो सारा हम एक बार देख के उसको प्रॉपरली अरेंज करके अच्छे से रख देंगे। बिकॉज अभी क्या बहुत ज़्यादा बिखेरा हो जाता है, ऐसे गेस्ट वगैरह जो भी सामान लेके आते हैं वो रखेंगे कहाँ पे, तो वही सारा अरेंजमेंट हम और तीनों मौसियाँ कर रहे थे। विशाल सुंदर।